हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कैटेगराइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की क्या क्या कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने हैकर्स और हैकर्स के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में देखा था। आफ्टर दैट ये कुछ और पॉइंट्स हैं, आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमको कोशिश करना है कि सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करें। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग, सेकेंड साइबर पोर्नोग्राफी, फिशिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वेब जैकिंग एंड साइबर टेररिज्म। इन सब पॉइंट्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग। ओके, पहला हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इंटरनेट टू हैरास समवन। किसी पर्सन को हैरास करने के लिए यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इसमें किसी पर्सन को इंटरनेट का यूज़ करके हैरास करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि किसी का नेम है, इसका नेम है स्टॉकिंग, इसका मीनिंग होता है किसी पर्सन का पीछा करना। कुछ टाइम पहले तक कि हम देखते थे कि जो क्रिमिनल्स थे वो किसी गलत इंटेंशन वाले लोग या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते थे वो किसी लड़की का पैदल या बाइक पर पीछा करते थे, लेकिन अब इंटरनेट की हेल्प करके इंटरनेट पर या फिर सोशल मीडिया पर आजकल उनका पीछा कर रहे हैं और किसी पर्सन के मूवमेंट को इंटरनेट पर उसका पीछा कर रहे हैं या फिर उसको बार बार मैसेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं। वो पर्सन अगर उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी उसको मैसेजेस या फिर ईमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चैट करने की ट्राई कर रहे हैं कि उससे चैट कर सकें, या फिर इससे भी ज़्यादा उसके फ़ोटोज़ के साथ में कुछ गलत करना चाहते हों, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। और इस तरह की जो साइबर क्राइम होते हैं इसको हम बोलते हैं साइबर स्टैकिंग। ओके, यहाँ पर जैसे कि इसका नेम है स्टैकिंग, यहीं से हम लोग समझ सकते हैं इसका मीनिंग होता है हिंदी में पीछा करना किसी का। ओके, तो ये जो पॉइंट था इसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है वो किसी विक्टिम का सोशल मीडिया पर या इंटरनेट की हेल्प पर उसका पीछा करता है, उसको हैरेस करने की कोशिश करता है। आफ्टर दैट जो सेकेंड चीज़ है हमारी, अब हमको डिस्कस करना है साइबर पोर्नोग्राफी पर। नेक्स्ट है हमारा साइबर पोर्नोग्राफी। ओके, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन मोस्टली ऐसे केसेस में विक्टिम होते हैं और उनका मोस्टली उनके साथ में हिंदी में हम कहें उनका शोषण होता है ऐसे केसेस में। इन दोनों को ज़्यादा सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। इन सब के लिए क्रिमिनल्स इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ गलत लोग इलीगल चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर इमेजेस का यूज़ करते हैं इंटरनेट की हेल्प से, किसी लेडी को या बच्चों को भेजते हैं जिससे कि उनका माइंड डिस्टर्ब हो सके और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। तो इस तरह की जो एक्ट होती है वो भी एक हम हिंदी में कहें गंभीर एक साइबर क्राइम होता है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस कुछ साल में, एक दो साल से हमने देखा है, हमारे इंडिया में भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पोर्नोग्राफिक बहुत से साइट्स से उनको बैन कर दिया है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं इंटरनेट की हेल्प से मोस्टली चिल्ड्रन या वेमेन इनको हरास करने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है वो आती है साइबर पोर्नोग्राफी के अंतर्गत। आफ्टर दैट अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं फिशिंग। नाउ हम देखते हैं फिशिंग। ओके, अब फिशिंग में हम देखते हैं फिशिंग क्या होता है। इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड उसकी डिटेल्स हो गई, इन सबकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस या एक्वायर करने की कोशिश करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो आपके बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और ये सब वो लोग होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर कॉल पर या फिर मैसेजेस
या फिर मेल के थ्रू आपको मैसेजेस करते हैं या फिर आपसे बात करने की, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। इस तरह की प्रोसेस में ये लोग आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आपसे आपका सेंसिटिव डेटा, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, इन सबको इसको एक्वायर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में आपके बैंक से, मोस्टली ऐसे केसेस सुनने में आता है कि सडनली किसी के अकाउंट से बहुत सारा पैसा गायब हो गया, या उसके क्रेडिट कार्ड से किसी ने कुछ पैसा कट हो गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये सब कौन से क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, इसको हम बोलते हैं फिशिंग। ओके, फिशिंग के बाद में अब जो नेक्स्ट चीज़ है इसकी, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट चीज़ है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इसको डिस्कस करने के पहले एक शॉर्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके पहले आपने कभी देखा होगा, हम लोग CD या DVD का यूज़ करते थे, वहाँ पर एक टर्म का यूज़ होता था, हमें सुनने में आता था कि CD की पायरेसी या DVD की पायरेसी होती, विच मीन्स वहाँ पर वो लोग क्या करते थे कि उस CD या DVD की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर, जो उसका ऑथोराइज जो डीलर होता था उसके जो प्रोडक्ट होता था CD या DVD, उसकी कॉपी बनाकर मार्केट में बेच दिए जाते थे या फिर उसका यूज़ किया जाता था, तो उसको हम पायरेसी बोलते थे। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का कोई सॉफ्टवेयर है, उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो सॉफ्टवेयर उसका पेटेंट किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको, उसके डेटा को एक्सेस कर ले या फिर उसकी कॉपीज बनाकर अगर वो मार्केट में उसका बिजनेस के यूज़ के लिए या फिर अदर किसी यूज़ में उसका सॉफ्टवेयर का वो यूज़ कर रहा है, और जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का डेवलपर है, जो एक्चुअल में जिस उस सॉफ्टवेयर को जिस डेवलपर ने बनाया था उसके पास में लाइसेंस है, उससे कोई परमिशन नहीं ली हुई होती है इन्होंने, उसके बावजूद भी इलीगली वो उनके सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं, कॉपी बनाकर मार्केट में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, ये बात हो गई सॉफ्टवेयर पायरेसी की। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो हम देखते हैं यहाँ पर आता है वेब जैकिंग। नाउ वेब जैकिंग, अब हम देखते हैं वेब जैकिंग। वेब जैकिंग क्या होता है, इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो फोर्सफुली किसी भी वेबसाइट होता है उसके वेबसाइट के पासवर्ड को क्रैक करके क्या करते हैं, उस पर अनऑथोराइज रूप से क्या कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने के बाद, फोर्सफुली कंट्रोल करने के बाद में उसका यूज़ टेररिज्म एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए करते हैं, वॉयलेंस के लिए यूज़ करते हैं, और पीपल या पर्सन उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब जैकिंग बोलते हैं। ओके, वेब जैकिंग के अंदर क्या आता है कि किसी भी वेबसाइट को फोर्सफुली उसके पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं, और उसके पासवर्ड को क्रैक करने के बाद में उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और अपने कंट्रोल में लेने के बाद में कोई भी किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि वॉयलेंस हो सके या फिर किसी की प्रॉपर्टी को लॉस होए। तो इस तरह की जो क्राइम होता है वो होता है वेब जैकिंग। अब वेब जैकिंग के बाद में नेक्स्ट अपना जो लास्ट आता है टॉपिक, साइबर टेररिज्म। ओके, साइबर टेररिज्म मोस्टली आप सभी लोग ने इस वर्ड के बारे में सुना भी होगा। साइबर टेररिज्म इसमें क्या होता हैगा कि जो अटैकर्स होते हैं या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कंप्यूटर रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं, किसके अगेंस्ट करते हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसका यूज़ करते हैं, जिससे वो वहाँ की पॉपुलेशन को और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या फिर कोई सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन सबको वो क्या कर सके, अफेक्ट कर सके या फिर वहाँ पर किसी तरह का वॉयलेंस कर सके। ओके, तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आते हैं। साइबर टेररिज्म में ये डायरेक्टली जो क्राइम होता है वो किसके अगेंस्ट करते हैं, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं। और साइबर टेररिज्म में इन लोगों का मोटिव क्या होता हैगा कि किसी भी सोशल मीडिया पर किसी पर्सन की आईडी को हैक कर लेना और वहाँ पर
किसी भी ऐसे मैसेजेस को वहां पर सर्कुलेट कर देना जिससे कि वॉयलेंस हो या फिर दंगा भड़क भड़के इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए वो करते हैं। और इसके अलावा साइबर टेररिज्म में एक चीज़ और भी होती है कि कभी कभी क्या करते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं जिस पर वो वहाँ पर अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। और जो भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको टेररिस्ट बनने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार की जो एक्टिविटी करते हैं, क्राइम करते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम बोलते हैं टेररिस्ट, जो कि किसकी हेल्प से करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से इस तरह का जो क्राइम किया जाता है उसे हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स हैं, इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे हैकिंग वर्सेस क्रैकिंग। तो देखते रहिए नेक्स्ट लेक्चर।